नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी नाइन्थ क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें कि अभी आपने लेसन में एक लेसन पढ़ा है, उसका नाम था हमारा प्रेमचंद के फटे जूते। अब फटे जूते यदि आप बहुत बड़े बड़े कवियों को लेखकों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिन भी लास्ट लेसन था उसमें ये था कि एक तो वैसे प्रेमचंद जी उनके फटे जूते और उनको लिखने वाले कौन थे, हरिशंकर परसाई। तो एक ही पाठ में तो अपने महान जो हमारे गद्यकार कहानीकार सम्राट हैं उनको पढ़ा जाना। अब बात कर रहे हैं अपन उसी श्रृंखला में महिला वर्ग में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, लेखिका भी हैं, तो वह है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की बात करें तो देखिए इनका एक लेख हमारे गद्य में है, मेरे बचपन के दिन। बचपन के जो दिन हैं, आज जिससे ही आपने नाम सुना बचपन के दिन, तो जाहिर सी बात है कि बचपन में जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था तो बहुत छोटी होती है, बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो टाइमिंग होती है उसको लेकर है। उसके बाद क्या करना होता है, क्या जानते हैं कि कौन सा बालक क्या बनेगा, ये उसके आप देखिए शैशवावस्था में ही फिक्स हो जाता है तो ठीक है, और बाल्यावस्था तक आते आते दिशा फिक्स होती है कि बच्चे इस क्षेत्र में जा सकता है। हाँ, ये बात की बात है कि उसको कैसी कंपनी कैसा माहौल मिलता है कि वो कुछ और क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे मेरे बचपन के दिन, यानी कि महादेव वर्मा के इनका आत्मकथा ही मान के चले कि इनकी जो घटना है जीवन की वो कैसे कैसे इनकी जीवनी के रूप में है, कि इनका बचपन कैसे बीता है, ये कितनी उदंडी थी और ये समाज के प्रति इनकी सोच कैसी थी और ये समाज को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहती थी, कितनी बेबाकपन थी, कितनी मतलब नटखट थे, कुछ भी, तो इनके बचपन की पूरी हम जानेंगे जानकारी। ठीक है, तो उससे पहले जानते हैं कि महादेव वर्मा का हमारे भारतीय साहित्य क्षेत्र में हिंदी भाषा के क्षेत्र में कितना योगदान है और क्या इनका मुकाम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि महादेव वर्मा का जो जन्म है वो हुआ है 1907 में, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट डेट पर ध्यान रखना है। 1907 में उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश, देखिए लगभग लेखक व कवि जो हैं उन सबका जन्म हम कहाँ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश चाहे उत्तराखंड हो है या लखनऊ हो, इलाहाबाद हो या प्रयाग कहीं भी हो। सोचो कि सारे लेखक वहीं से क्यों, या तो उधर के लोग देखिए पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते हैं तो फिर घटते नहीं, मतलब बहुत आगे तक जाते हैं। आप देख सकते हैं IAS अधिकारी, ठीक है, लेखक कवि नेता अभिनेता और वैसे भी बड़े बड़े जो होते हैं ना डरने डराने वाले सभी उस क्षेत्र में हैं, तो हमें उस क्षेत्र से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम दर्दी तो पूरे भारत का एक राज्य है तो होने चाहिए, लेकिन मेरा ये मतलब है विद्यार्थियों से कि हमें कुछ सीखना चाहिए कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पहले बहुत बड़े नालंदा वगैरह विश्वविद्यालय थे ना, तो विक्रमशिला नालंदा तक्षशिला इस तरह से, और ऐसे संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा के इतने ज़्यादा जानकार अंदर के लोग। तो उत्तर प्रदेश की एक विशेष बात यह है कि इधर के जो जन होते हैं लोग होते हैं हिंदी बोलते हैं, और हम लोग राजस्थान प्रदेश में देखिए कितने प्रकार की भाषाएं हम बोलते हैं, तो वैसे बोल लीजिए कोई दिक्कत, लेकिन पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हमें हिंदी तो आनी चाहिए। हिंदी भाषा आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बोली जाती है, मीठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं किसी क्षेत्र से इसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी हमें अपने भारतीय एक राज्य से है, आज इसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, 19 करोड़ 3 मार के चलिए, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज़्यादा है। हाँ, क्षेत्रफल में वही हम राजस्थान के जो लोग हैं वो ज़्यादा फैले हुए हैं ना, बात ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल में राजस्थान नंबर 1 है 1% हो गया और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, लोकसभा की सीटें भी यहीं से जाता है, आप जानते हो विधानसभा सॉरी राज्य सभा की सीटें यहीं से हैं, और लगभग नेता अभिनेता हैं और उच्च अधिकारी भी हैं, तो वो यहाँ से बहुत अधिक निकलते हैं। तो ये मान के चले कि बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो फिर यहीं से आएंगे, लेकिन 1-2% उसके आप बुराई देख सकते हो कि वहाँ का इलाका थोड़ा डरावना है, लोग थोड़े उदंडी हैं। अब इतना बड़ा माहौल है तो वो तो संभव सी बात है, लेकिन हमें तो अच्छाई से मतलब है। अच्छा ये है कि ये लोग या तो पढ़ते ही नहीं है, कोई अपना बिजनेस करेंगे, ये पढ़ते हैं तो रुकते नहीं है, पूरा पढ़ते हैं, तो जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं ने? तो मेरा मतलब सारे जितने भी लेखक पढ़ते लगभग इसमें से आते हैं। क्यों?
क्योंकि वहाँ जो यूनिवर्सिटीज थी जो विश्वविद्यालय थे उनका उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। तो राजस्थान में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षण संस्थान हैं और आज तो काफ़ी मतलब तकनीकी सहारे हैं आपके। तो प्यारे विद्यार्थी, इसी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी पढ़ाई में एक अच्छा मुकाम हासिल करना है और जो अच्छा पढ़ लिख लेते हैं ना अच्छे मुकाम पर अवश्य जाता है। चलिए, 1907 में महादेव वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। फर्रुखाबाद एक बहुत सुंदर अच्छा शहर है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। चलिए बात करें कि इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो प्रयाग में हुई। प्रयाग का भी आपने जिक्र सुना होगा, जो कुंभ का मेला है वो किस अंदाज में लगता है, तो एक बार वो प्रयाग में भी लगता है। प्रयाग में उसको कहा जाता है, ध्यान रखना है। वो शिक्षा है इनकी प्रयाग नगर में हुई है। और बाद में क्या हुआ कि उसी प्रयाग में, सोच के देखिए, जहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वहीं पर प्रयाग महिला विद्यापीठ एक संस्था का नाम है, कॉलेज का नाम है। प्रयाग महिला विद्यापीठ जो है उसमें प्राचार्य और प्रोफेसर के पद पे हम भी काम कर रही है। तो इतनी महान अच्छी बात है कि जिस संस्था स्कूल पढ़े हैं वही उसी क्षेत्र नगर में जाकर के और प्राचार्य पद पे काम कर रहे हैं, तो बहुत एक गौरव की बात है, गर्व की बात है। लंबे समय तक भी ये कार्य करते रहे, प्राचार्य पद पे रहे, बने रहे, बने रहे। और अंत में क्या किया कि एक दिमाग में अलग बात आई कि ठीक है कि मैं अपने आप में एक महिला वर्ग में हूँ, तो मुझे ये लगता है जो लड़कियां हैं हॉस्टल में रहती हैं, गांव में रहती है, तो उन लड़कियों को पढ़ाई के क्षेत्र में अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरा मतलब एक अलग ही और इनके दिल की एक भावना थी। तो ये कार्य करते करते लड़कियों की शिक्षा के को लेकर प्रश्न आ सकता है कि भारतीय हिंदी साहित्य क्षेत्र में ऐसी कौन सी महिला लेखिका है, कवित्री है, लेखिका है, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने में, पढ़ाई लिखाई में आगे करने के लिए कार्य किया, तो इनका नाम खड़े रहेगा शिक्षा के लिए की प्रयत्न करते रहे हैं। और इस मतलब बात करें 1987 में की 1907 में जन्म और 1987 में इनका देहांत हो गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे इनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं कि इनकी जो ये तो था इनका व्यक्तिगत परिचय, ठीक है, व्यक्तिगत। अब साहित्य परिचय बात कर लूँ तो इनकी रचना कर्मचार माना कि ये चीज ये है, या वहाँ एक इनका एक ऐसा ग्रंथ है जिनमें बहुत सी रचनाओं को इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करें कि निहार रश्मि नीरजा, ये भी तो याद है, निहार रश्मि नीरजा, निहार रैसे रश्मि, ठीक है, और नीरजा। तो निहार रश्मि नीरजा की बहुत प्रचलित काव्य संग्रह रहा है, निहार रश्मि नीरजा। और यामा, यामा की बात है, दीप शिखा, बहुत अच्छी इनकी कविताएं से है। तो निहार रश्मि नीरजा, यामा और दीप शिखा, ये इनका काव्य संग्रह है, इस बात का लिखना है। तो प्रकृति के चलचित्र वगैरह और आधुनिक श्रृंखला, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनके दो चार हम गद्दे लेके पढ़ेंगे जो हमारे पाठ में हैं, हम और देख लेंगे। ठीक है, लेकिन इन साहित्य पिछले साथ में इनका पढ़ रहे हैं मेरे पसंद का दिन पाठ पढ़ना है। तो महादेव वर्मा को भली बात आप जानेंगे का स्वभाव और इनके दिनचर्या सब कुछ जानेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम एक अगले हमारा जो पाठ स्टार्ट होने लगा उसमें। ठीक है।